हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो मेडिकल सर्जिकल से ही रहेगा। ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर भी इसको पढ़ाया जाता है। तो टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। देखिए, ऑक्यूपेशन शब्द का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन मतलब आपका वर्क। ठीक है, और लंग डिजीज़ आपको पता है क्या? आपके फेफड़ों में होने वाली बीमारियां। तो लंग डिजीज़ काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं वो रहेगी आपकी ऑक्यूपेशनल, यानी आप जिस जगह पे काम कर रहे हो वहाँ पे ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं या डिजीज्ड बना सकते हैं। तो देखिए, वो पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि जो डस्ट होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं। तो यहाँ आपको दो तरीके के डस्ट पार्टिकल बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक डस्ट, सेकंड वन इज़ इनऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है, दो तरीके के डस्ट पार्टिकल होते हैं। इन अब उसमें भी डस्ट की टाइप बताई हुई है, कैसा कैसा डस्ट, और फिर उस डस्ट से होने वाली डिजीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक डस्ट के अंदर कॉटन डस्ट। ठीक है, जो आपकी रुई होती है, अगर कोई इंसान आपका जैसे कॉटन की फैक्ट्री हो गई वहाँ पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको कॉटन डस्ट देखने को मिलेगा। तो इस कॉटन डस्ट को वो इनहेल करेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो उसके लंग्स में जब जाके ये एक अमाउंट में, एक्सेस में क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको डिजीज देखने को मिलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी या और भी अदर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो कॉटन डस्ट की वजह से होने वाली जो बीमारी है उसका नाम आपसे अगर पूछा जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? बिस्नोसिस। ठीक है, कॉटन डस्ट की वजह से जो बीमारी होती है आपके फेफड़ों में उसको क्या बोला जाता है? बिस्नोसिस बोला जाता है। सेकंड वन इज शुगर केन डस्ट। ठीक है, जो भी आपका ये शुगर मिल होगी वहाँ पे काम करता है, गन्ने की फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे चीनी बनाई जाती है, तो वहाँ पे जो डस्ट होता है या डस्ट पार्टिकल होते हैं शुगर केन के, जब वो आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको बोला जाता है बैगोसोसिस। ठीक है, तो बिस्नोसिस क्या है आपका? कॉटन डस्ट की वजह से। बैगोसोसिस किसकी वजह से? शुगर केन डस्ट की वजह से। नेक्स्ट वन इज ग्रेन डस्ट और हे। ठीक है, जो सूखा घास फूस होता है आपका, ग्रेन डस्ट या फिर अनाज, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ठीक है, जैसे आपका गेहूं हो गया, जीरी हो गई, गेहूं हो गया, या और भी जिस तरह का भी अनाज है, उसकी वजह से जो डस्ट पैदा होता है, ठीक है, वहाँ से, वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं उनकी बॉडी के अंदर जो डस्ट पार्टिकल जब चले जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिजीज कंडीशन को फार्मर्स लंग बोला जाता है, क्योंकि अनाज के ऊपर काम कौन करता है? मोस्ट ऑफ आपके जो ये किसान लोग हैं वही करते हैं, खेती बाड़ी करना, फिर उसके बाद उसको बेचना या उसकी सफाई करना, काटना, उस कंडीशन के दौरान उनकी बॉडी, क्योंकि सालों से वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जब उनके लंग्स में ये पार्टिकल आपके जमा हो जाते हैं और जो फेफड़ों में दिक्कत देखने को मिलती है उसको आप क्या बोलते हो? फार्मर्स लंग नाम से इस डिजीज को जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज टबैको। ठीक है, अब जो तंबाकू की फैक्ट्री में काम करते हैं वहाँ इसको बनाने के लिए जितनी भी प्रोसेस लगती है, उस जब ये पार्टिकल आपके लंग्स के अंदर चले जाते हैं तो जो डिजीज कंडीशन पैदा होती है उसको बोला जाता है टोबैकोसिस। ठीक है, बस टोबैको के पीछे आपने क्या लगाना है? SSIS लगाना है। नेक्स्ट जो डस्ट पार्टिकल है वो रहेगा आपका इन्फेस्टेड वीट। ठीक है, वीट आपकी, आपको पता है गेहूं होती है, तो इन्फेस्टेड वीट जो आपका डस्ट पार्टिकल है जब ये लंग्स के अंदर जाता है तो जो डिजीज ये कोज करता है उसको क्या बोला जाता है? वीट वेविल। ये सारी ही लंग्स के अंदर होने वाली बीमारियां हैं और इनके डस्ट पार्टिकल आपको यहाँ बताए गए हैं। नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक डस्ट के अंदर आपको चार चीज़ें बताई गई हैं। ये तो आपकी सारी की सारी ऑर्गेनिक थी, यानी प्लांट्स से रिलेटेड ही थी। ये जो है आपकी, ये मेटल से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि सबसे फर्स्ट है सिलिका। सिलिका यानी सिलिकॉन से रिलेटेड कोई पार्टिकल, तो सिलिकॉन से रिलेटेड पार्टिकल यहाँ सिलिका है। जब ये पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है उसको बोला जाता है सिलिकोसिस। ठीक है, नेक्स्ट पार्टिकल इज एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस का नाम भी आपने सुना होगा। तो जब ये पार्टिकल इनहेल होता है आपकी बॉडी में एक्सेस अमाउंट में, तो जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है उसको बोला जाता है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट वन इज आयरन। ठीक है, आयरन आपको पता है क्या होता है? लोहा होता है। जब आयरन आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस में जमा हो जाता है, ठीक है, तब उसको क्या कंडीशन बोला जाता है? सिड्रोसिस। ठीक है, सिड्रोसिस कंडीशन बोली जाएगी जो आपके लंग्स को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज कोयल डस्ट। कोयला आपको पता है क्या होता है? ठीक है, जब ये आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो इसकी वजह से जो डिजीज कंडीशन अराइज होती है उसको क्या बोला जाता है? एंथ्राकोसिस। तो ये हमारे कुछ ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ थी जो हमें पढ़ाई जाती हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर भी इनको पढ़ते हैं और मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी इनको पढ़ा जाता है। ठीक है,
तो इनऑर्गेनिक डस्ट रहेगा आपका, मेटल पार्टिकल्स रहेंगी, और जो ऑर्गेनिक डस्ट है इसके अंदर जो आपके पार्टिकल रहते हैं वो आपके प्लांट्स से ही ओरिजिनेटेड हैं। ये सारी चीज़ आपकी प्लांट से ही मिलती हैं, तो इन्हीं से ओरिजिनेटेड जब डिजीज कंडीशन अराइज होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक डस्ट। ठीक है, यानी जो ये हमारे थोड़े नेचुरल हैं ये हम बनाते हैं अपने उससे। तो ये सिलिकॉन, एस्बेस्टोसिस, आयरन और कोयल डस्ट की वजह से होने वाली ये वाली सारी बीमारियां हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, छोटा सा टॉपिक था ये। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।